गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देना। गांधारी ने फिर कहा, श्री कृष्ण, देखो, वह अनेकों महारथियों को धराशायी करके खून में लतपत हुआ कर्ण रणांगन में पड़ा हुआ है। यह बड़ा ही असहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर और बड़ा बली था, किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर यह पृथ्वी पर सोया हुआ है। मेरे महारथी पुत्र भी पांडवों के भय से इसे ही आगे करके युद्ध करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराए रहते थे। इसकी ओर से चिंतित रहने के कारण 13 वर्ष तक उन्हें सुख से नींद भी नहीं आई। यह प्रलय कालिक अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंब था। किंतु देखो, आज यह वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी पत्नी वृषसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह-तरह से विलाप करती, बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है। बड़े खेद की बात है, महाबाहु कर्ण को रणभूमि में अचेत पड़ा देखकर सुषेण की माता अत्यंत आतुर होकर मूर्छित हो गई है। देखो, कुछ होश आने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वध से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। इधर देखो, यह भीमसेन का मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है। उसकी रानियां भी चारों ओर से घेर कर उसकी सार संभाल में लगी हुई हैं। श्री कृष्ण, महाराज प्रतीप के पुत्र बाहलीक बड़े साहसी और धनुर्धर थे। वे भी भाले की चोट से मरकर रणभूमि में सोए हुए हैं। मर जाने पर भी इनके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 11 अक्षोहिणी सेना को पार करके मारा था। इसकी अनुरागिणी पत्नियां चारों ओर से इसकी संभाल कर रही हैं। जनार्दन, जिस समय यह वन में से द्रौपदी को हरकर ले गया था, पांडव लोग तो इसे तभी मार डालते। उस समय केवल दुःशला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था। हाय, एक बार फिर उन्होंने दुःशला का मान क्यों नहीं रखा? देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है। कृष्ण, बताओ, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गई और बहुओं के पति मारे गए। हाय, तनिक मेरी दुःशला की ओर तो देखो, पति का सिर न मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर उधर ढूंढती फिर रही है। इधर ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। इनकी तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी। युद्धस्थल में कर्ण का सारथ्य करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उसका तेज क्षीण करते रहे थे। देखो, इन्हें चारों ओर से इनकी रानियों ने घेर रखा है। उधर वे पर्वतीय राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। इनके साथ अर्जुन का बड़ा ही प्रचंड, रोमांचकारी और भीषण युद्ध हुआ था। एक बार तो इनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन भी दंग रह गए थे, किंतु अंत में ये उसी के हाथ से मारे गए। देखो, जिनके समान बल और पराक्रम में संसार भर में कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करने वाले भीष्म जी इधर शरशय्या पर शयन कर रहे हैं। केशव, इस प्रतापी नर सूर्य ने शत्रुओं को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था। हाय, आज यह अस्त होना चाहता है। आज वीरोचित शरशय्या पर पड़े हुए इन अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी के दर्शन तो करो। ये आज तक अपने व्रत से नहीं डिगे। भगवान स्वामी कार्तिकेय जैसे सरकंडों के समूह पर सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार ये कर्णी, नालीक और नाराज जाति के बाणों की सेज बिछाकर सोए हुए हैं।
अर्जुन ने इनके सिर के नीचे तीन बाण मारकर इन्हें बिना ही रुई का तकिया दिया है। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ये अखंड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली। युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं, तथा मनुष्य होने पर भी तत्व ज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण किए हुए हैं। आज जब भीष्म जी भी बाणों के लक्ष्य बनकर रणक्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव में न कोई युद्ध कुशल है, न पराक्रमी है और न विद्वान है। विधाता जिसे जीवन में सफलता दे देता है, उसी को लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं। माधव, जब ये देव तुल्य भीष्म जी स्वर्ग को सिधार जाएंगे, तो कुरु कुल के लोग धर्म के विषय में अपना संदेह किससे पूछेंगे? इधर देखो, ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। चार प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है, वैसा या तो परशुराम जी को है या आचार्य द्रोण को था। जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए, वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं। इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी। इनके जिन वंदनीय चरणों का सैकड़ों शिष्य पूजन किया करते थे, देखो आज उन्हीं को गीदड़ खींच रहे हैं। इनके मरण की व्यथा से कृपि अचेत सी हो गई है और अत्यंत दीन सी होकर इनके पास बैठी है। देखो तो सही, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किए फूट फूट कर रो रही है। इनके शिष्यों ने चिता में अग्नि स्थापित करके उसे सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है, तथा उस पर आचार्य के शव को रख कर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं। देखो, अब वे कृपी को आगे रख कर चिता की प्रदक्षिणा करके गंगा जी की ओर जा रहे हैं। माधव, पास ही पड़े हुए इस भूरी श्रवा की ओर तो देखो, इसकी पत्नियां मरे हुए अपने पति को घेरे खड़ी हैं और तरह तरह से शोक कर रही हैं। शोक के वेग ने इन्हें बहुत ही क्रेश कर दिया है और ये आर्त स्वर से विलाप करती बार बार पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर चित्त में बड़ा ही दुख होता है। देखो, यह कह रही है, सात्यकी का यह काम बड़ा ही अधर्मपूर्ण और अकीर्तिकर हुआ है। एक स्त्री ने पति की भुजा को गोद में रख लिया है, वह दीनता पूर्वक विलाप करती हुई कह रही है, यह वह हाथ है जिसने अनेकों शूर वीरों का संहार किया था, अपने मित्रों को अभय दान दिया था और सहस्त्रों गौएं दान की थी। जिस समय दूसरे के साथ संग्राम करने में लगे होने से तुम असावधान थे, उस समय श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन ने इसे काट डाला था। इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई है। उसके साथ ही उसकी दूसरी सौते भी शोक में डूबी हुई हैं। यह सहदेव का मारा हुआ गांधार राज महाबली शकुनी है, आज यह भी लड़ाई के मैदान में सोया हुआ है। यह बड़ा मायावी था, इसको सैकड़ों हजारों प्रकार के रूप बनाने आते थे, किंतु आज पांडवों के प्रताप से इसकी सारी माया भस्म हो गई है। इस कपटी ने द्यूत सभा में अपनी माया के प्रभाव से ही युधिष्ठिर का विशाल साम्राज्य जीत लिया था, किंतु आज यह अपना जीवन भी हार बैठा। कृष्ण, देखो, यह दुर्धर्ष वीर कांबोज नरेश पड़ा है। यह कांबोज देश के गलीचों पर सोने योग्य था, किंतु आज मौत के मुख में पड़कर धूल की शैया पर सो रहा है। देखो, वह कलिंग राज पड़ा है। उसके पास ही मगध देश का राजा जयसेन है। उसकी स्त्रियां उसे चारों ओर से घेरकर अत्यंत विवल होकर रो रही हैं। इधर कौशल नरेश राजकुमार बृहद्वल को भी उसकी स्त्रियों ने घेर रखा है और वे फूट फूट कर रो रही हैं। देखो, वे धृष्टद्युमन के वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्य के ही गिराए हुए पांचाल राज द्रुपद सोए हुए हैं।
ये बूढ़े पांचाल राज की दुखनी स्त्रियां और बहुएं उनका अग्नि संस्कार कर बाईं ओर से प्रदक्षिणा करके जा रही हैं। देखो, इधर द्रोण के मारे हुए चेदी राज धृष्ट केतु को उसकी स्त्रियां ले जा रही हैं। यह बड़ा ही शूरवीर और महारथी था। हजारों शत्रुओं का संहार करने के बाद ही यह मारा गया है। इसकी सुंदरी भार्याएं इसे गोद में उठाकर विलाप कर रही हैं। उधर द्रोण ही का बींधा हुआ इसका पुत्र पड़ा है। मेरे पुत्र दुर्योधन के लड़के वीरवर लक्ष्मण ने भी इसी तरह अपने पिता का अनुगमन किया है। देखो, ये अवंती राजविंद और अनुविंद मरे पड़े हैं। ये इस समय भी अपने हाथों में धनुष, बाण और खड़ग पकड़े हुए हैं। कृष्ण, पांचों पांडव और तुम तो अवध्य हो। इसी से द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृप, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और कृतवर्मा जैसे वीरों की मार से बच गए हो। माधव, निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है। देखो ना, क्षत्रियों ने ही इन शूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में संहार कर डाला। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपनी संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपलव्य की ओर लौटे थे। महामति भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो। उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती थी? आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मी भूत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण से इतना कहकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी, सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां मिलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए शाप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृष्णि वंशियों का नाश देवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदुवंशी आपस की कलह से ही नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ और वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही।